मुझे कीर्तन मतलब सिर्फ ईश्वर का गुणगान है, या ईश्वर की ईश्वर ईश्वर का भजन करो, ईश्वर की सेवा करो, ये तो है ही। मतलब उसका मुख्य मुख्य जो सारा भाग है उसमें यही आता है, लेकिन उसके उत्तर रंग में, मतलब कीर्तन के दो भाग होते हैं, पूर्व रंग और उत्तर रंग। तो पूर्व रंग में आप एक किसी संत की रचना लेते हैं और उस पर उसका निरूपण करते हैं, और उसके बाद में उस निरूपण को ही जो सिमिलर हो, ऐसा एक ऐसी एखादी ऐसा एखादा आख्यान, ऐसी एखादी कथा घटना उसका उसे उसे बताते हैं। तो उस दौरान मुझे ये ध्यान में आया कि इसमें संस्कृत का बहुत वापर हो रहा है, इसमें बहुत उपयोग हो रहा है। संस्कृत के बहुत से श्लोक, गीता, राम रक्षा, ऐसे कई स्तोत्र, अथर्वशीर्ष, ऐसे कई बहुत सारे स्तोत्र उसमें आते थे, बहुत सारे श्लोक आते थे, उसका अर्थ भी हमें समझाया जाता था। और फिर मुझे उसकी उस विषय में एक रुचि गति, हाँ, रुचि पैदा हुई, और मुझे लगा कि इसमें और कुछ देखना चाहिए कि क्या है। लोग जानते हैं कि संस्कृत का व्याकरण जो है वो पाणिनि नामक एक बहुत बड़े विद्वान ने तैयार किया है, और पाणिनि की परंपरा है, और या इस पाणिनि परंपरा में काशी का नामक एक टेक्स्ट है जो पाणिनि के सूत्रों का विश्लेषण करती है। जयादित्य और वामन इसके दो ऑथर हैं, और उन्होंने जो टेक्स्ट लिखा है वो इसलिए लिखा है कि पाणिनि के जो सूत्र है वो सूत्र कभी कभी हमें ऐसे हो जाते हैं कि समझ में नहीं समझ आता। में नहीं आते हैं, उनका अर्थ कैसे लगाए, कैसे करे, ये समझ में नहीं आता। तो इसलिए उन्होंने टीका ग्रंथ लिखा, काशिका को टीका ग्रंथ कहते हैं। तो एक उन्होंने मार्गदर्शन के लिए और विद्यार्थियों के लिए, मतलब वो टेक्स्ट बुक के तरह लोग उसका इस्तेमाल करते, ऐसे एक टेक्स्ट उन्होंने लिखा था। तो उसका काम था कि आपको एक क्रिटिकल एडिशन तैयार करनी थी काशिका की, काशिका टेक्स्ट की, जो इंटरनेशनल लेवल पे हाँ लेवल पे भी काम कर रहे जो कुछ विद्वान हैं उनको सहायता उसकी हो सके, और बेसिक टेक्स्ट कैसा था इसकी एक कल्पना आपको आने के लिए वो काम बहुत, क्योंकि महत्वपूर्ण था। हाँ क्योंकि हस्तलिखितों का काम जो है वो भारत में बहुत जगहों पे होता है, दिल्ली में होता है, दिल्ली में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान करके है, बहुत बड़ी संस्था है, उन्होंने इस विषय में बहुत बड़ा काम किया है, कर रहे हैं। पूना में भी ये काम होता है, पूना में बहुत सारे विद्वान संस्कृत संस्कृत पंडित के पंडित हैं जो इस विषय में काम कर रहे हैं। फिर भी इस विषय में बहुत काम बाकी है, क्योंकि काशी का एक विषय है जिसके हमें 100 मैनुस्क्रिप्ट मिलते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे विषय हैं जिनके हमें हजारों हस्तलिखित मिलते हैं और उसमें कुछ काम नहीं हुआ है, या कुछ ऐसे विषय हैं जिसकी एक ही मैन्युस्क्रिप्ट आपको मिलती है, बहुत रेयर होती है, लेकिन एक ही आपके पास है, और अगर वो भी नष्ट हो गई तो उस विषय में हमारे पास कोई भी लिखित पुरावा नहीं होगा। मैं और मेरी सहेली अश्विनी मुळे करके हैं, दोनों हम पुणे के ही हैं, और दोनों ने भी संस्कृत में ही व्याकरण में ही एमए किया है, और पूना में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो संस्कृत विषय में काम कर रही है, मतलब वैदिक संशोधन मंडल करके हैं, भांडारकर है, वैदिक वेद शास्त्र तेजक सभा करके हैं, ऐसे ऐसी सारे बहुत सी संस्थाएं हैं और बहुत से पंडित पूना में हैं। लेकिन होता क्या है कि हमारे वेद या बड़े बड़े वेदांत विषय पे बहुत बड़े सेमिनार्स होते हैं, बहुत बड़े चर्चा सत्र होते हैं, लेकिन उसमें जो भाग ले सहभागी जो लोग होते हैं वो एक तो संस्कृत स्वतः होते हैं पंडित, या संस्कृत के BA MA के विद्यार्थी होते हैं जिन्होंने अभी अपनी खुशी से अपनी मर्जी से संस्कृत में ही काम करने का निश्चय किया है। लेकिन जो बच्चे हैं जिन्हें जिन्हें संस्कृत की रुचि लगनी चाहिए,
उनके लिए उनके लिए इतना काम नहीं है. मतलब संस्कृत भारती करके एक संस्था है पूना में, भारत में, उनका भारत भर में काम है. वो संस्कृत के स्पोकन संस्कृत पे बहुत जोर देते हैं. उन्होंने एक संभाषण वर्ग, 15 दिनों का एक संभाषण वर्ग तैयार किया है और वो बच्चों को संस्कृत बोलना सिखाते हैं, कैसे सीखे, कैसे उसका उपयोग करें. लेकिन वो भी बहुत लिमिटेड स्वरूप में है. तो हमें लगता है, तो हमें ऐसे लगा कि उनके उनके उन बच्चों के लिए या आगे आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए, या जो लोग हैं अभी और उन्हें सीखना चाहते हैं संस्कृत लेकिन अब वो बीए या एमए नहीं कर सकते अपने खुद के व्यवसाय के व्यवसाय को छोड़कर, तो उनके लिए कुछ ऐसा वर्ग हम तैयार करें कि जिसमें वो 1 घंटा 2 घंटा आकर संस्कृत के जो विभिन्न विषय हैं, जैसे कालिदास, मेघदूत या भास कालिदास जैसे कवि हैं, या शंकराचार्य जैसे वेदांत का जानने वाले पंडित है, उनके बारे में कुछ विचार सुने जो बड़े और जाने और जाने, डिटेल में जाने. और उनको भी उसकी रुचि लगे, या उनके थ्रू बच्चों को कुछ संस्कृत के बारे में पता चले. इसके लिए हमने ये संस्कृत मित्र उसका नाम रखा. जो मित्र जो होता है वो आपको मित्र के रूप में जो हम बताते हैं वो ज्यादा हमें अपील होता है, इसलिए हमने उसका मित्र जैसा स्वरूप रखा. और इस दौरान हम ऐसा करते हैं कि हर महीने एक सभा रखते हैं जिसका नाम मंथन होता है. इसमें मेरी सहेली हर एक विषय, कोई भी विषय, या सभासद जो हमारे हैं मेंबर्स, वो कहते हैं कि नहीं आज हमें इस विषय पे कुछ जानना है, तो उस विषय को लेकर हम. और हमारा अभी ऐसा भी मानस है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनको भी संस्कृत, मतलब पुणे में बहुत से सारी कंपनियां ऐसी हैं कि उन्हें संस्कृत के विषय में रुचि है, या वो चाहते हैं कि संस्कृत में मैनेजमेंट विषय में क्या है, संस्कृत भाषा में, संस्कृत में वास्तुशास्त्र के रूप में वास्तुशास्त्र के लिए क्या कहा गया है, या संस्कृत में केमिस्ट्री के बारे में क्या लिखा है, तो वो जानना चाहते हैं. तो इस विषय में भी हम चाहते हैं कि उनके लिए भी हम कुछ सेमिनार या कुछ कर सकते हैं, तो हम करेंगे.